Entrepreneur, a responsible citizen who has provided so many employments in a single year. A person who is trying to uplift our country's economy by providing us investment opportunities and establishing industries in these dire times. Our very own chairman and CEO to grace this stage with his presence, ladies and gentlemen, Mr. Mr. Shokat Khan. Khan. बसमर रहीम अलैक् सबसे पहले मैं आप सबका uh, तह दिल से मशकूर हूँ कि आई स्मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की ई कामर्स प्लेटफॉर्म आई स्मार्ट डॉट काम की uh, ये जो अफ्ती uh, तकरीब है और uh, इसकी जो हमारी बैलेटिंग सरमोनी है इसमें आप सब लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने हमें जॉइन किया uh, मोज्ज़ में ग्रामी हमारा मुल्क इस वक्त मुआशी बदहाली से गुजर रहा है और बदकिस्मती की बात यह है कि जब से हमने होश संभाला है हमने इस अपने मुल्क को इसी हालत में ही पाया है आज से तीन साल पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का फ़ैसला किया जब भी आप कोई इस तरह नया वेंचर स्टार्ट करते हैं तो आपको नसीहत यह की जाती है कि आप सबसे पहले एक सेक्टर को ऑन बोर्ड लें एक बिज़नेस स्टार्ट करें उसको थोड़ा सा ले कर चलें तजर्बा हासिल करें और जब आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आप सेकंड सेक्टर तीसरे सेक्टर चौथे सेक्टर को ऑन बोर्ड लें लेकिन मेरा ख्याल है कि ये फार्मूला तब कामयाब होता है अगर आपने सिर्फ अपने बारे में सोचना है अपने बिज़नेस के बारे में सोचना है हमारे मुल्क की इस वक्त जो हालत है जो हमारी कम्यूनिटी की हालत है मैंने पर्सनली ये फील किया कि अगर मैं इसी पेज से इस चीज़ को लेके चलता हूँ तो एक फ़ायदा तो हो जाएगा एक सिंगल इंडस्ट्री से एक सिंगल सेक्टर से लेकिन जिस वक्त जिस तरह हमारे मुल्क की हमारे लोगों की इस वक्त हालत है कोई बहुत जल्दी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसी चीज़ को देखते हुए मैंने इकट्ठी चेक कंपनीज को स्टार्ट किया चेक सेक्टर्स को डिफरेंट सेक्टर्स को मैंने टारगेट किया और इसके बाद ये कि स्टार्ट करने के साथ साथ बिजनेस स्टार्ट करने के साथ साथ मैंने पाकिस्तान के अलावा तीस से ज़्यादा मुल्कों में इसको स्टार्ट किया और अलहमदिल्ला उस वक्त से ये सक्सेसफुली चल रहे हैं अभी बिजनेस स्टार्ट करने के साथ साथ तकरीबन दो ढाई साल जब हो गए तो मैंने ये फील किया कि बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जो एक स्पेसिफ़िक कम्युनिटी को टारगेट करती है उससे एक स्पेसिफ़िक कम्युनिटी फ़ायदा लेती है हर बंदा उससे फ़ायदा नहीं ले सकता इस ज़रूरत को देखते हुए मैंने इंडस्ट्री स्टार्ट करने का फ़ैसला किया बिकॉज मेरा ये ख्याल है और आप सब भी इस चीज़ को एक, आ, एग्री करेंगे कि इंडस्ट्रीज जो है वो किसी भी माशी बदहाली का सलूशन है एक वाद चीज़ है जिससे आपके मुल्क के हर किस्म की कम्युनिटी का फ़ायदा हो सकता है चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है चाहे बुजुर्ग है चाहे ख़वातीन है चाहे मर्द हैं हर कोई उससे फ़ायदा ले सकता है ये चीज़ सोचते हुए और इस ज़रूरत को देखते हुए पाँच छः महीने पहले मैंने इस कंसेप्ट काम किया इसी सोच के साथ कि अगर मैंने इंडस्ट्रीज भी स्टार्ट करनी है तो कोई एक स्पेसिफ़िक इंडस्ट्री को मैं टारगेट नहीं करूँगा बल्कि उन तमाम मेजर इंडस्ट्रीज़ को मैं ऑन बोर्ड लूँगा जो ओवरऑल जो इकॉनमी होती है ग्लोबल इकॉनमी जो उसके अंदर पोटेंशली इन्वाल्ड होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह पाँच छः महीने पहले हमने इस पे काम शुरू किया ग्यारह डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हमने इसकी शुरुआत ली जिसमें जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वर्ल्ड के जैसे एनर्जी सेक्टर है जैसे रियल स्टेट सेक्टर है ई कामर्स सेक्टर जिसकी इनोग्रेशन के लिए आज हम सब आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं ठीक है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है गारमेंट्स है फार्मास्यूटिकल है कॉस्मेटिक्स एंड सो ऑन ग्यारह से एलेवन प्लस इंडस्ट्रीज़ को मैंने टारगेट किया और ये बताते हुए मुझे आज बड़ी ख़ुशी हो रही है कि इन इंडस्ट्रीज़ को हमने पाँच छः महीने पहले जो एक सिर्फ कंसेप्ट था आज अल्हम्दुलिल्लाह चालीस से ज़्यादा शहरों में पाकिस्तान के डिफरेंट डिविजन्स में हमारी इन तमाम इंडस्ट्रीज़ के प्रैक्टिकली आउटलेट स्टोर इसके जो हमारे आउट सुपर स्टोर हैं वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं और वंस अगेन यहाँ पे मैं फिर आपको बता दूँ कि आई एस मार्ट ग्रूप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमारी जितनी भी मेरी या मेरे जो एम्प्लॉज़ हमारा एक कन्सेप्ट है कि हम सिर्फ और सिर्फ़ जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ हम बिज़नेस के पीछे नहीं भागते हमारा वो कन्सेप्ट नहीं है कि भाई कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करो तो इस्लामाबाद से शुरू करो लाहौर से कराची फैसलाबाद मेजर सिटीज़ हैं छोटे शहरों को हम हमेशा छोड़ देते हैं आज मुझे बताते हुए बड़ा फ़ख्र भी महसूस हो रहा है और ख़ुशी भी हो रही है खोसदार में हमारा जो है वो आउटलेट स्टोर है बनू में आउटलेट स्टोर है डी आई खान में डी जी खान में नेम एनी सिटी बलोचिस्तान किसी भी जगह पे हमारा अलहमदिल्ला आउटलेट स्टोर है बिकॉज हमने उन तमाम लोगों को हमें इस चीज़ पे यकीन होना चाहिए कि उन लोगों तक हम बिजनसेस पहुँचाएंगे तो वो कुछ करेंगे वह हमारे तक नहीं पहुँच सकते तो अलहमदल ये चीज़ें हमने उन तक पहुँचाई और हमारे बिजनसिस वहाँ पर प्रैक्टिकली स्टार्ट हो चुके हैं हमारी जो सारी इंडस्ट्रीज वो अलहमदुल्ला शुरू हो चुकी हैं इस वक्त हमारी जो लाहौर कराची और इस्लामाबाद तीन जगह पे हमने इंडस्ट्रियल साइट्स अक्वायर कर दी हैं और एक जो बड़ी एक खुशखबरी है और जो बड़ी एक फ़ख्र वाली बात है कि जो हमारी लाहौर की इंडस्ट्री है गारमेंट्स इंडस्ट्री उसने प्रैक्टिकली ऑपरेशन भी स्टार्ट कर दिए हैं तो अलहमदुल्ला उसी पेस के साथ हम आगे चल रहे हैं और अ, मेरी जो सबसे बड़ी एक अ, एक ख़ुशी की बात है और यहाँ पे जो मैं आप सबके साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को हमने मिल के आगे लेके चलना है हमारा अपना मुल्क है हम सब ने मिल के इसके लिए काम करना है और मिल के काम करेंगे तो इन श्ला मुझे इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि इन शारी हमारी जो पिछली जनरेशन हैंफारचुनेटली उन्होंने कोई हमें अच्छा मुल्क नहीं दिया मैं बड़ा ब्लंटली बता रहा हूँ लेकिन हमने इस मौके पर ये वादा करना है ये तहैया करना है कि हमने अपने आने वाली जनरेशन को वो मुल्क देना है कि वो हमारे मुल्क पर भी फख्र कर सके और इस जनरेशन पर भी फख्र कर सके आज अलहमदिल्ला हमारी तीस से ज़्यादा मुल्कों में प्रेजेंस है हमारी इंडस्ट्रीज़ की ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ हमारे बिजनसेज़ हैं इनशाला आज इकतीस दो हज़ार इकतीस दिसंबर दो हज़ार बाईस जब न्यू ईयर नाइट पर हम इकट्ठे हुए हैं और इन शाह इनशा जब इकतीस दिसंबर दो हज़ार तेईस को दुनिया के किसी और शहर में जब इस तरह बैठ के हम इनशाला कोई न्यू ईयर नाइट सेलिब्रेट करेंगे मैं वादा करता हूँ कि एक सौ पचास से ज़्यादा मुल्कों में हम अपनी बिजनसिस को लेके जा रहे हैं और मैं आपको इनशाला उस वक्त यह खुशखबरी दूंगा कि हम लेके जा चुके हैं और uh, सबसे आखिर में मैं एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्र गुज़ार हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और ये जो हमारी एक सक्सेस स्टोरी है उसमें आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया बहुत बहुत शुक्रिया